जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा निराश हो, कहीं ना कहीं आप लोग इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हो कि सर वैकेंसी अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्यों नहीं आई है, क्या तैयारी करने में मन नहीं लगता है। ये बात सच है, अगर किसी चीज की हम लोग तैयारी करते हैं, पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं, वो चीज वैकेंसी ना आए तो थोड़ा बुरा तो लगता है, थोड़ा नहीं बहुत बुरा लगता है। और कहीं ना कहीं डिमोटिवेट इस तरह से होते हैं कि अब तैयारी करने का कोई फायदा नहीं, वैकेंसी नहीं आने की है ना। लेकिन ये सोचना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी व भूल है। कुछ दोस्त हैं, कुछ बहन हैं, कुछ भाई हैं जो कि ये सोचते ही नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। उनका क्या है ना भाई, आज 4 घंटे पढ़ना है, चलो हो सकता है कल 3:30 पढ़ लूँ, आगे फिर 5 घंटे पढ़ लूँ। इस तरह अगर आप लोग सोच रखोगे, जब आप लोग किसी एक ही चीज़ पे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, कई लोगों का ड्रीम है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की ही तैयारी करनी है, तो ड्रीम को अगर आप लोग पूरा करने के लिए 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 3 साल लगते हैं, तो मेरे हिसाब से पर ड्रीम आपका आपका जो ड्रीम है ना वो पूरा होना चाहिए, चाहे समय जितना भी लग रहा हो, चाहे आपका संघर्ष कितना भी हो, लेकिन आपका ड्रीम पूरा हो तब उसको बोलते हैं सफलता। और ये सफलता पानी दोस्तों तो रेगुलर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी इस महीने नहीं आई तो हम लोग उसको डिमोटिवेट समझ के मतलब पढ़ाई करना ही छोड़ दें, डिमोटिवेट इतना हो जाए कि अरे छोड़ो अब नहीं आने की, कोई ड्रीम पूरा नहीं होने वाला। ये चीज़ होगी हमारी सबसे बड़ी भूल। तो मैं यही आपको कहूँगा कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई रेगुलर पढ़ो, 2-2.5-3 घंटे पर डे पढ़ो। आज अगर मन नहीं है तो मत पढ़ो, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये ना होना चाहिए कि आज भी नहीं पढ़े, कल से स्टार्ट करेंगे, कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ गलत है। पढ़ाई करो, चाहे 2-3-4 घंटे जितना भी पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करो, सिलेबस कंप्लीट हो गया तो रिवीजन करो, है ना, पर पढ़ाई जरूर करो। वैकेंसी क्यों नहीं आई अब तक और वैकेंसी कब आएगी? देखो वैकेंसी सबसे बड़ी बात तो मैं बार बार कहता हूँ, अभी तक देखो आप सबने देखो अंकित भाटी सर द्वारा एक चलाया गया था कैंपेन चलाया गया था कि वैकेंसी जल्दी आई पुलिस कांस्टेबल की, लेकिन उन्होंने उसको नकार दिया है। क्या कह के नकारा था कि वैकेंसी ऑलरेडी इतनी हम लोग चला रहे थे, लेकिन आपने उसके बाद देखा कई न्यूज़पेपर्स में निकला है कि वैकेंसी इतनी आएगी, 41,000 वैकेंसी आएगी, कुछ 35,000, कुछ 36,000, कुछ 26,382, ठीक है ना। तो वैकेंसी तो आएगी, आज नहीं तो 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, लेकिन वैकेंसी आनी है। और मुझे लगता है वैकेंसी 2022 में ही आनी है, क्योंकि जो उनका लक्ष्य है दिसंबर 2023 तक भर्ती पूरी कराना, तो वो अगर आप सोचो कि मार्च अप्रैल में निकालें वैकेंसी फिर पूरा करवा लें तब नहीं होने का, है ना। वैकेंसी इसी साल आए, इस अगले महीने आ जाए, इस महीने में ना आए, तभी वो लक्ष्य 1 साल में पूरा हो पाएगा। जो उनके मुताबिक लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक हमको इतना रिक्रूट और तैयार करना है, मतलब इतना सिपाही की वैकेंसी कंप्लीट करानी है, अगर वो चीज़ पूरी उनको करानी है ना, तो दिसंबर 2023 तक अगर करानी है तो वैकेंसी इस महीने या अगले महीने वैकेंसी देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया हो 1 साल का समय लग जाता है, कितना भी फास्ट कराओ 1 साल लग ही जाता है ना। तो दोस्तों आप लोग बस मैं यही कहूँगा आप लोगों से, वैकेंसी जल्दी आए ऐसी आशा करता हूँ, ऐसी दुआ करूंगा आप सभी के लिए। आप लोग बस तैयारी करते जाना, ये ना हो कि वैकेंसी है, वैकेंसी चली भी जाए, आपका सिलेक्शन ना हो पाए, तब भी बहुत गलत बात है, ठीक है ना। तो यही कहूंगा कि वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, बस आप लोग तैयारी करते रहो, आज नहीं 1 महीने बाद से ही आप लोग मन में ठान लो कि वैकेंसी कभी भी आए मुझे दिसंबर 2023 तक हर हाल में भर्ती पा जाने हैं। तो यानी मेरा आज से लक्ष्य है कि मुझे एक चीज की तैयारी करते जाना है। अगर SSC GD की भी तैयारी कर रहे हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि SSC GD यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है ना। तो दोनों का सिलेबस जब सेम है तो सिंपल बात है, आप लोग बस पढ़ते जाओ, 80 क्वेश्चन उसमें आएंगे 150 यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है ना, 80 क्वेश्चन SSC GD में। तो उसमें हालांकि सिलेबस सब कुछ वही सेम है, बस अंतर ये है कि उसमें क्वेश्चन कम आएंगे, इसमें क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करते जाओ, वैकेंसी आएगी, जल्दी ही आएगी वैकेंसी, और आप लोग टेंशन ना लो। मैं भी आपको वादा जो निभाया था ना कि GK कंप्लीट कराऊंगा, अब मैंने ठाना है, मैं प्लान बना रहा हूँ, GK मैथ रीजनिंग हिंदी चारों सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, वो भी 120 क्वेश्चन कहते हैं बिल्कुल 100% वाले, और अकेले नहीं, 2 सिपाही और साथ में 2 दोस्त, ऐसे 2 दोस्त जो शायद आगे चल के कुछ और ही बनना जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे साथ ही जो वैकेंसी टेंशन ना लो, वैकेंसी आएगी, उससे पहले आपको ऐसा एक बैच दूंगा ना, आप लोग भी कहोगे सर वास्तव में ये बेस्ट आज तक का बेस्ट है, पूरे यूट्यूब पर कहीं ऐसे मिलने है ही नहीं है, ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं जो हम लोग पढ़ाएंगे, जिस तरह से पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन आएगा जिस तरह से आएगा, बिल्कुल अलग हटके, सबसे अलग हटके। यार सब कोचिंग पढ़ाती है बड़ी बड़ी, एग्जाम्पल हो गया या रोजगार वाले अंकित सर हो गए, तो वो सब कुछ सेम पढ़ाते हैं, अगर आप उनका कोर्स लोगे तो सब कुछ सेम मिलेगा, पर टेंशन ना लो, यहाँ अपना कुछ अलग ही चलेगा, ठीक है ना। अलग क्या चलेगा वो आप लोग देख लेना, वो होगा सरप्राइज आपके लिए, और किस तरह से पढ़ाई होगी ये भी आप लोग देख हैरान हो जाओगे। मेरी आपने GK की वीडियो कई एक देखी होगी, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में देख लेना, मैं किस तरह की GK पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इस तरह की GK अभी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, GK मैथ रीजनिंग हिंदी सब कुछ मिलने वाला है। ऐसी तैयारी कहीं कुछ मत पढ़ना, बस 3 महीने हमको दे देना,
अपने वो 3 महीने इसलिए दे देना कि हो सकता है मेरा जो है सिलेक्शन हो ही ना, ये सोच के बस हमें 3 महीने दे देना, कहीं कुछ नहीं पढ़ना, एक अक्षर कहीं नहीं पढ़ना है, जो हम लोग जितना हम लोग पढ़ाए 3 महीने में बस उसी को पढ़ लेना, एक बार रिविजन कर लेना। 3 महीने का ज्यादा ज्यादा प्रोसेस हम लोग लेंगे, 3 से 4 महीने का, और आपको तैयारी यूं करवा देंगे, ठीक है ना। अब आप लोग जान सकते हो कितनी मेहनत हम लोग करेंगे, फिर आप लोगों को भी मेहनत करवाऊंगा। ऐसा एक ग्रुप बनाएंगे ना जिसमें आपकी भी मेहनत होगी, हमारी भी मेहनत होगी, हम जितना पर मेहनत करेंगे उससे ज्यादा आपसे करवाएंगे मेहनत, फिर देखो सिलेक्शन कैसे रुकता है। अगर ना आप लोग सब 110 120 क्वेश्चन करके आए तब कहना, 120 क्वेश्चन तक जाओगे यार, इस तरह से पढ़ाई पढ़ाई होगी उसमें, ठीक है ना। फिलहाल अभी उसमें टाइम है, टेंशन ना लो, तब तक के लिए आप लोग रिविजन करते जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, जो मैंने बुक्स बताई है वो बुक्स बस पढ़ते जाओ, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बुक्स पढ़ते जाओ। बाकी का जो भाई कह रहा है ना, तो भाई कुछ सोच समझ के कहता है, ऐसे कभी कुछ नहीं कहता हवाबाजी में, ठीक है ना। अभी तो थोड़ा ड्यूटी में बिजी है, लेकिन उसके बाद सब कुछ बिल्कुल सेट होने वाला है। आप लोग देखोगे हैरान हो जाओगे कि सर वास्तव में आप अभी आप वर्दी ही दिलाने आए हो, हमको ऐसा लगता है ना, वर्दी ही दिलाएंगे, टेंशन ना लो। ये अब तक 11,000 होने जा रहे हैं सब्सक्राइबर आप लोगों की कृपा से, थोड़ा और सब्सक्राइब बढ़ा लो आप लोग, और थोड़ा शेयर भी कर दो, 11,000 हो जाए। ये 11,000 फैमिली हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल SSC GD और कुछ अदर्स होंगे, वरना अधिकतर यूपी पुलिस कांस्टेबल की ही तैयारी करने वाले हैं। टेंशन ना लो, ऐसा एक चीज ऐसे धांधू आपको रामबाण इलाज दूंगा कि आप लोग कभी कहीं जाओगे ही नहीं। 10,000 में गारंटी ले रहा, अगर अच्छे से सबने पढ़ाई की सभी लोग सिलेक्शन पाओगे। अगर बिल्कुल कम से कम बताऊं तो 50% फिर भी सिलेक्शन पा जाओगे, अगर जो अच्छे से पढ़ेगा तब, है ना। अच्छे अगर सभी लोग मेहनत करेंगे तो जितने होंगे सबका सिलेक्शन होगा। अगर फिर तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग भी जान रहे हो ना, पढ़ाने वाला गुरु कितना भी अच्छा हो लेकिन जब तक स्टूडेंट उस काबिल ना हो तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। और फिर स्टूडेंट भी किस काबिल हो, अगर गुरु उस लायक ना हो तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो गुरु और स्टूडेंट दोनों को कंप्रोमाइज करके, दोनों को मेहनत करके आगे बढ़ना, ठीक है ना। जितनी हम लोग मेहनत करेंगे उससे ज्यादा आपको भी करनी होगी, तभी सिलेक्शन होगा। बस 3 महीने की बात होगी, उसके बाद यूं आप लोग हमारी तरह हमारी साथ आओगे यहाँ, ठीक है। चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में, ज्यादा कुछ नहीं, और चैनल सब्सक्राइब ना हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। कुछ धमाका होगा, ठीक है ना, इस बार आपके एग्जाम तक कुछ ना कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद।